वेलकम टू ऑल ऑफ हिमाचल द ए लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वन एनर्जी के। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख सूची है उनके विषय, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आ रहा है आपका संघ सूची, जो इस पर जो कानून बना सकती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, डिफेंस आता है, आपके वैदेशिक यानी कि जो आपके विदेशी मामले होते हैं वो आते हैं, जो आपके ये युद्ध और जो आपकी ये टेरिटरी होती है संधि वगैरह ये भी आपके संघ सूची के अंदर आते हैं। रेल, डाकदार और बैंक ये सब आपके संघ सूची में आता है। एक्सर एग्जाम में आपको चार ऑप्शन दे देगा और वो पूछ लेगा कि इनमें कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है या है। ऐसे ही जो आपके राज्य सूची के जो विषय हुआ, जैसे पुलिस होती है, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई, भूमि, ये सब आपके राज्य सूची के अंदर आते हैं। जो आपने आजकल देख रहे होंगे कि किसान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो कृषि कानून को लेकर ही चल रहा है, क्योंकि जो कृषि है ये विषय राज्य सूची का है, लेकिन इस पर कानून संघ सरकार ने बना दिया है, इसी बात को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। एक आपके आते हैं समवर्ती सूची, जो ये समवर्ती सूची है इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकती है और आपकी संघ भी बना सकती है। इसमें कौन कौन से विषय है, आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वन, जानवर, कारखाने और श्रमिक जो संघ होता है उनको लेकर समवर्ती सूची में आते हैं, ये आपके दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कुछ चट्टानों का वर्गीकरण। सबसे पहले आपकी आ रही है आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है, जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो बनती है वो आग्नेय चट्टान होती है। इसमें लिखा हुआ है आग्नेय, तो जो इससे बनने वाली चट्टानें हैं वो आपकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट पत्थर और डायोराइट, ये आपकी आग्नेय शैलों के उदाहरण है। फिर आपकी है कायांतरित, यानी कि जिनकी काया बदल जाती है, जैसे कि नीस चाहिए ग्रेनाइट से बनता है, संगमरमर जो आपका चूना पत्थर से बनता है, क्वार्टाइस आपका सिलिका यानी कि रेत से बनता है। और ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, तो ये कोयले का अप्रूप है, हीरा भी कोयले का एक अप्रूप है। एक आपका अवसादी चट्टान आता है, ये आपके चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला जो है आपके अवसादी चट्टाने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नोबेल प्राइजेस हैं, जो हमारे भारतीय विजेता हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला आपका आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य के अंदर 1913 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और ये नोबेल प्राइज कब शुरू की गई थी, नोबेल प्राइज 1901 में शुरू किए गए थे अल्फ्रेड नोबेल की याद के अंदर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो पूरे एशिया के अंदर केवल रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे थे जिनको पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, वो भी साहित्य के अंदर। इनकी जो कविता थी गीतांजलि उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे सर सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनकी याद में 28 फरवरी को हर साल साइंस डे मनाया जाता है। इनके लिए भौतिक शास्त्र की फिजिक्स के अंदर 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। जो आप ये देखते हैं कि आकाश का रंग नीला, यानी कि इन्होंने जो स्कैटरिंग होती है किरणों की उनके बारे में इन्होंने व्याख्या की थी। इन्होंने बताया था कि आसमान का रंग नीला क्यों है, समुद्र का रंग नीला क्यों है, तो उसी के लिए इनको भौतिक शास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। 1954 में जब हमारे ये भारत रत्न शुरू की गई थी, ये जो भारत रत्न पाने वाले ये दूसरे आदमी थे। उसके बाद आते आपके हर गोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के अंदर 1968 में नोबेल प्राइज दिया था। इन्होंने जो ये जेनेटिक्स होता है उसके बारे में बताया था। जो ये मदर टेरेसा है, इनको 1979 में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर आपके आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी फिजिक्स के अंदर 1983 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये अमृत सेन, तो बहुत पूछा जाता है कि अमृत सेन को कब नोबेल प्राइज मिला, तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आपके आते हैं वीएस नायपाल, इनको भी साहित्य के अंदर 2001 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। फिर आपके आते हैं वेंकट रमन कृष्ण, इनको केमिस्ट्री के अंदर 2009 में ये नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि इकलौते भारतीय हैं जिनको केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद ये कैलाश सत्यार्थी आते हैं, इनको शांति के लिए 2014 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के ये जनक हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, जैसे कि धान जो होती है उसके अंदर जो खारा रोग होता है वो आपका जस्ते की यानी कि जिंक की कमी से आपका वो रोग होता है। उसके बाद जो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग हो जाती है, आपने देखा कि थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है, तो वो किससे होती है, ब्राउन सी यानी कि बोरोन, तो वो बोरोन की कमी से वो रोग होता है। आलू का जो ब्लैक हार्ट है, एग्जाम पूछा जाता है कि ब्लैक हार्ट रोग किसमें होता है, तो ये आलू के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। आंवला का जो निक्रोसिस रोग है वो भी आपका बोरोन की कमी के कारण होता है। चुकंदर जो आपने देखा होगा रूट रोग, जिसे यानी कि इसको बीट रूट भी कहते हैं, इसका जो रोड रोग होता है वो आपका बोरोन की कमी से ही होता है। मक्का में वाइट यानी इसको बड़ रोग भी कहते हैं, ये भी आपका जस्ता यानी कि जिंक की कमी से होता है। गाजर में जो कोटर स्पॉट होती है वो कैल्शियम की कमी से होती है। सलजम में जो वाटर कोर होती है वो भी आपकी बोरोन की कमी से होती है।
मटर का जो माश रोग है, इनके माश रोग किसमें पाया जाता है, मटर के अंदर पाया जाता है, तो ये मैग्नीज की कमी से होता है। और नींबू का डाईबैक रोग जो आपका तांबे यानी कि कॉपर की कमी से आपका क्या होता है, वो आपका सीयू कॉपर का सिंबल है। नींबू का जो लिटिल लीफ रोग है वो आपका जस्ता यानी कि जिंक की कमी से होता है। और मैग्नीज की जो शॉर्ट सिंबल है वो आपका Mg है। ऐसे ही मोर ऑनलाइन जी के देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।